सबसे बड़ा भूकंप कहाँ आया था जिसमें कितने लोग मरे हुए थे? सुनामी जो होता है क्या, सुनामी होता है जो आपदा आता है उस आपदा से कितने लोग मरते हैं, बाढ़ आता है उससे लोग कितने मरते हैं, क्या बाढ़ से खतरा होता है? वीडियो को अंत तक बने, आपको सारे के सारे आंसर मिलेगा। सबसे यानी कि सबसे जो भूकंप आया है यानी कि सबसे जो भारी भूकंप जिसे कहा जाता है वह कब आया और कौन सा जगह पर आया है आप जानकर चल जाएंगे। जी हाँ, 22 यानी 22 मई 1960 को सबसे बड़ा भूकंप आया था जो कि अभी तक रिकॉर्ड उससे बड़ा भूकंप नहीं आया, लेकिन वह चिल्ली में सबसे प्रथम आया था। चिल्ली में कितना डिग्री आया था? वह आया था 9.5 यानी 9.5 मैग्नीट्यूब, जो कि सबसे अधिक भूकंप चिल्ली में ही आया, यानी चिल्ली में सबसे अधिक भूकंप आया था। लेकिन उसके बाद कौन सा भूकंप सबसे बड़ा भूकंप और उसके बाद से अभी तक कोई भूकंप उसके मुकाबले में कोई भूकंप नहीं आया है? जी हाँ, 28 मार्च 1964 को यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका में सबसे बड़ा भूकंप जो कि 9.2 यानी 9.2 मैग्नीट्यूड जो आया था, और चिल्ली में 9.5 या 9.2 आता है, उसमें क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो नदी पोखर और समुद्र से कुछ अजीब निकलते हुए आपने कभी नहीं देखे होंगे? लेकिन अगर आपको ऐसा मौका मिले तो जाकर आस पास में देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं आप वहां पर? आस पास में देख सकते हैं कि खुशबू यानी कि समुद्र नहर तालाब झीलों से खुशबू यानी कि अजीब प्रकार का खुशबू आता है, जिस पर यानी कि जिस समय जब भूकंप होता है उस समय खुशबू अजीब प्रकार का आता है। उससे पहले पृथ्वी पर आपको क्या देखने का नजारा मिलेगा उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ तुरंत ही भूकंप होने वाला है। आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके आसपास में जमीन के अंदर से धुआं यानी कि गैस निकलने लग रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि तुरंत ही भूकंप आने वाला है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है, यहाँ बहुत कम ही जगह होता है जो कि आपको देखने वगैरह नहीं मिल सकता है। जी हाँ, लेकिन अगर भूकंप के पहले गैस निकलना ही किधर साइड में निकलना ही पृथ्वी से एक जो कि तबाही है जो कि प्रत्येक साल आता है आप जानकर चल जाएंगे। जी हाँ, पूरे दुनिया को सामना करना पड़ता है यानी कि जो बाढ़ होता है बाढ़ इलाका और बाढ़ जो आता है वहाँ सबसे अधिक मात्रा में पूरे दुनिया के पृथ्वीवासी को लगभग उसका सामना करना पड़ता है, जिससे कि माल जाल आदमी घर द्वार बहुत आता है यानी कि उससे बहुत अधिक मात्रा में सरकार को नुकसान पहुंचता है, जिससे कि सरकार को उससे कितना पीछा होना पड़ता है आप चार सौ से नहीं सकते। हम बता है भूकंप सबसे अधिक मात्रा में वहाँ पूरी दुनिया को तबाही मचाता है। जी हाँ, यहाँ बात फैक्ट है कि बहुत अधिक मात्रा में। लेकिन कौन सा एक आपदा है जो पूरे दुनिया को यानी कि बहुत जल्द तबाही कर देता है और लोग उससे कम ही दिनों में बहुत तबाह हो जाते हैं जो कि आप देखते भी होंगे और सरकार को भी नुकसान पहुंचता है? जी हाँ, बाढ़ यानी कि बाढ़ भी जिसे है जो कि सबसे अधिक मात्रा में वहाँ पूरे दुनिया को भी भूकंप की तरह वहाँ तबाही मचाता है। सुनामी होता है, सुनामी किसे कहते हैं कितने लोगों को पता नहीं होगा, तो सुनामी कहा जाता है यानी कि समुद्र में अधिक मात्रा में सुनामी आता है जिससे कि बहुत तबाही किया जाता है। लेकिन सुनामी को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है जिससे कि सुनामी को आप नाम जानकर कहेंगे ओम माय गॉड इसे इस नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, सुनामी को यानी कि हत्यारा, कोई व्यक्ति हत्या करता है उसे कहा जाता है ये बहुत हत्यारा व्यक्ति है। इसी प्रकार कहा जाता है कि सुनामी आता है जिससे कि बहुत व्यक्तियों को नुकसान ही नहीं मृत्यु हो जाता है, मर जाता है, जिसके कारण से कहा जाता है कि एक हत्यारा है। सुनामी होता है कितने की स्पीड चल जाए जिससे कि कोई व्यक्ति को अगर पता भी चल गया कि सुनामी आ गया यानी कि सुनामी सुनामी समुद्र चल दिया है तो उसको बचने का संभावना इसलिए कम होता है कि जो उसका गति होता है वो गति बहुत तेज में होता है, यानी कि एक घंटा के अंतर्गत 500 मील यानी 500 मील बराबर 804 किलोमीटर एक घंटा के अंतर्गत वह तय कर देता है। क्या आप गाड़ी से उससे यानी कि उससे पीछा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए लोग को बचने का सुनामी यानी कि जो समुद्र से सुनामी चलता है वह कितने ऊंच होता है और कितने नीचे तक, इतने नीचे होता कि आप जानकर चल जाएंगे और इतने ऊंच होता कि जानकर चल जाएंगे, कहेंगे आप हम लोग की ओ माई गॉड इतना नीच भी सुनामी है और इतना ऊंच। जी हाँ, 100 फीट जो ऊंचाई है वह सबसे अधिक मात्रा में रिकॉर्ड किया गया कि सुनामी का सबसे हाइट 100 फीट तक है। अब अनुमान लगा से 100 फीट कितना होगा, और सबसे नीचा वाला हाइट है वह 1 फीट से 3 फीट यानी कि मात्र इतना ही, और 3 फीट तक वह उसका सबसे कम और ऊंचा यानी कि चलता है समुद्र से निकलता है। तो सुनामी को क्या आप पता कर सकते हैं कि सुनामी किस समय आने वाला है और सुनामी कब आ गया? आपको नहीं पता चल सकता, लेकिन गया है यहाँ पता चल सकता है कि वहाँ दिख गया कि आ गया है लेकिन उसे बचने में संभव है असंभव है। लेकिन वहाँ पता कैसे किया जा सकता है कि कब सुनामी आने वाला, कोई तो बारिश का मौसम नहीं है कि मौसम ऐसा आ गया, लेकिन अचानक यानी कि अचानक समुद्र से लहर बना और तुरंत सुनामी स्टार्ट हो गया जिसके कारण कोई भी व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि सुनामी कब। टाटा का सामान है यानी कि टाटा ग्रुप का जो इतना भी सामान बनता है बहुत अधिक प्रकार के बनता है, लेकिन वह कितने देशों में जाकर सबसे अधिक मात्रा में बिकता है आप जानकर चल जाएंगे? जी हाँ, वहाँ सामान जो है टाटा के जितना सामान
बनता है वहाँ लगभग 140 देशों में अधिक से अधिक मात्रा में टाटा का ही सामान बिकता है। क्या अगर आपको पहले से पता था, चार्ट से देख सकते हैं, जी हाँ 140 देश में बहुत अधिक मात्रा में बिकता है।